गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। हाउ आर यू बच्चों? कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। पढ़ाई चल रही है ना? बुक निकाल लीजिए। अनामिका, इसमें हमारा क्या चल रहा है? आकी मात्रा वाले शब्द कंप्लीट हो गए हैं। कंप्लीट हो गए ना आ की मात्रा के साथ? यस। चैप्टर 3 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है अपने को? ई की मात्रा का ज्ञान करना है। क्या करना है? ई की मात्रा का ज्ञान। इसमें क्या है? देखिए, समझिए और पढ़िए। पहले तो मैं यहां डाल देती हूं पार्ट 4। ठीक है, क्या है हमारा पार्ट 4 में? ये मात्रा। तो आज हम क्या नया सीखेंगे? ई की मात्रा कैसे लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट में हमारे क्या दे रखा? हिरन, हिरन। और उसको कैसे डिवाइड करके लिखा हुआ है आपकी, तो वही आपको बताऊंगी। पिक्चर नहीं बना के बताऊंगी, बाकी आपको लिख के बताऊंगी। ठीक है, ये क्या है? ही र न, ऐसे लिखा है ना? नहीं, ये कर दिया मैंने अलग। इसमें सारी चीजें अलग अलग कर रखी है। तो ये क्या है हमारी? ई की मात्रा। ठीक है, एक ये हमारा सितार। फिर आगे देखो तब तो, क या तो क्या हो गया? तब की या, ये क्या होगा हमारा? त की या। ओके, अब इसके बाद किसान, क्या है ये? कि शान न हो गया, कि शान न। इसमें एक-एक चीज को बड़े तरीके से बताया गया है।
ये हो गया हमारा किसान। फिर ठीक है, तो ये बना हमारा ची री या चिड़िया, उड़ने वाली चिड़िया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या बनेगा? ना। क्या इसमें क्या है, आप लोग एक एक शब्द को पढ़ सकते हो। आप सुनो, जिसको स्वर और व्यंजन आते हैं उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिसको स्वर और व्यंजन नहीं आते उसको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट क्लास आपको स्वर और व्यंजन मेरे हिसाब से तो क्लियर आते हैं। कुछ बच्चे हैं जिसको कम आते हैं, जैसे कि क्या नाम था उसका, समर्थ, समृद्धि, अंश और प्राची। ये बच्चे जरा आप तो पता है मैं अपनी क्लास में किस तरीके से कराती हूँ, ये चीज नहीं कराती, सिर्फ समझाने के तौर पे कराती हूँ। ठीक है ना, बाकी आप यही कर रहे होते हैं क्योंकि ये याद भी अच्छे से होते हैं, इनको एक एक करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें जैसे कि न अ र ई र य ल नारी य ल, इसमें एक एक वर्ब आप फर्स्ट क्लास में तो आपको समझता है तो नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या करती हूँ, इनको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं आपको ऐसे ही सिखाऊंगी, इसमें तीन वाले भी है और चार वाले भी है। ठीक है ना, तो आप देखो टू से शुरू करूंगी आपका, किसे? टू से, जैसे कि बिल। ठीक है, बिल, बिल क्या होता है? बिल, बिजली का बिल। कभी, ठीक है, मेल। नाम रवि और क्या है? दिन। ठीक है, छवि, ये क्या है? बिल, कभी, मिल, हिना, रवि, दिन, पिन, छवि। हिरन, सितार, तकिया, किसान, चिड़िया, नारियल, ये। ठीक है, अब हिला, ठीक है, पिला और बहुत सारे पड़ होते हैं।
छोटी ई से। किधर गिटार मिलाना शनि ये है हमारे दो अक्षर वाले शब्द, सॉरी ई की मात्रा। पहिया विशाल, ठीक है। और उसके बाद में क्या आएगा? विशाल के बाद गिलास, मिलाप, ठीक है। तो हम इसको पढ़ लेते हैं, ये हमारी ई की मात्रा के शब्द हैं और आपको लर्न करने हैं, फिर इसके आगे बढ़ा जाएगा जब आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ लो मेरे साथ। बिल कभी मिल हिना रवि, दिन गिन पिन गिन छवि, हिरन सितार तकिया किसान, चिड़िया नारियल खिला पिला, किधर गिटार मिलान, सनी पहिया, विशाल गिलास मिलाप, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, ये हमारा एच डब्ल्यू ठीक है। एच डब्ल्यू इन नोटबुक, ये हमें अपनी कॉपी में करना है। क्या करना है? कॉपी में करना है। और क्या है? आकी मात्रा याद कीजिए, ये आपको याद करनी है। ये क्या आपका एच डब्ल्यू है, ये याद करना है, वो आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय।